है। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाल चौक कश्मीर श्रीनगर, और यहाँ की फेमस नमकीन चाय पीने जा रहे हैं हम। हमारे मजीद भाई जो है, मजीद शाह जी, कश्मीर खालसा होटल, जब भी आप लाल चौक कश्मीर आएँ तो इनके होटल में स्टे करें, और अभी रिनोवेशन का भी काम चल रहा है तो आपको और बेटर फैसिलिटीज़ मिलेंगी कुछ टाइम बाद इंशाल्लाह। 5 जून है, नहीं सॉरी 4 जून है, 4 जून है, और हम आज श्रीनगर से हमारी जर्नी स्टार्ट करेंगे कोटा के लिए। टाइम अभी हुआ है 9:05, और ये देखें आप यहाँ का लाल चौक काफ़ी वाइड हो चुका है। रात के टाइम पे तो भाई काफ़ी पब्लिक थी यहाँ पे, वॉकिंग कर रही थी, एंजॉय कर रही थी। टूरिस्ट बहुत है कश्मीर में भाई, कश्मीर के लद्दाख में भी जो है ना, पूरे राजस्थानी, मैक्सिमम राजस्थानी। और यहाँ की ये फेमस शॉप है नमकीन चाय के लिए। इसका कलर भी थोड़ा डिफरेंट सा लगा है ना, कैसा है, क्या पिंकिश है ना, देखो पिंकिश, नमक का स्वाद है। चलो A few moments later. Guys, हम हैं निषाद गार्डन में, आप देख सकते हैं यहाँ की खूबसूरती, अलग अलग तरीके के फ्लावर्स हैं, गुलाब मतलब रोजेज हैं अलग अलग कलर के, ये देखिए है ना खूबसूरत। ब्यूटीफुल मामा जी, ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, व्हाट अमेजिंग व्यू यार, व्हाट अमेजिंग व्यू गाइस, लिटरली भैया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है ये नजारा, देखो सुपर्ब यार, सुपर्ब। मतलब अपना जो ऑक्सीजन है ना वो ही फीका लग रहा है इसके सामने यार, सब फीके लग रहा है ना। और ऊपर देखो पहाड़, वाओ पहाड़ है बिल्कुल ग्रीन। जैन साहब तबीयत खुश होगी यार, हैं कहाँ है आइस, स्नो वाले दिख रहे हैं, हाँ स्नो माउंटेन होंगे उधर, क्या बात है यार। मतलब ऐसा कोई सा भी कलर नहीं होगा जो यहाँ नहीं होगा, सही है ना, बिल्कुल, मतलब जितने भी कलर होंगे ना वो सब यहाँ होंगे। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पौधे मतलब खुश हैं, बहुत खुश हैं, हंस मतलब हाँ मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराइए आप कश्मीर में हैं। ब्यूटीफुल यार, मतलब इतनी वैरायटी के फ्लावर्स हैं, इतनी वैरायटी मैंने पहले नहीं देखी भाई, गजब, एब्सोल्युटली अमेजिंग। हाँ ये अभी इन्होंने फाउंटेन चालू किया है, बस पानी आ गया, अब स्टार्ट हो गया पानी आना। क्या टिकट था यहाँ का, 24 रुपीज पर पर्सन। राइस निषाद गार्डन का जो चार्जेस है वो 24 रुपीज पर पर्सन है, बाकी वसूल है भाई, बिल्कुल यार, क्या खूबसूरती है इस जगह की। और सबसे बड़ी बात है मेंटेन है, वाव ये देखो अब आप है अलग, मतलब ऐसा कौन सा कलर है जो यहाँ नहीं होगा, है ना कलरफुल। सनलाइट जो है ना वो चुभ रही है हल्की हल्की अब, तो वापस से सनबर्न नहीं हो जाए इसलिए अब हम इस जगह से निकल रहे हैं, बाकी बहुत खूबसूरत है देखने लायक है। ओवरऑल जो है ना सुकून भरी जगह है, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल, अमेजिंग, और फ्लावर की वेराइटी तो आप मतलब क्या बताऊँ मैं, आपने वीडियो में देख ही लिया, मेरे को तो नाम तक नहीं पता कि कौन से फ्लावर होंगे। ये है बात, ये देखो इतने बड़े पेड़ पे भी जो है ना फ्लावरिंग हो रही है, सामने वाले पेड़ पे, ये इस पे देखो फ्लावरिंग है इस पे भी, जो फाउंटेन वहां से स्टार्ट हो रहा है ना वो यहाँ आके गिर रहा है सामने, देखो ये
तो श्रीनगर में क्या रेट है डीजल? 35 हो गया, लबालब हो गया और 26.66 लीटर डीजल आया। अब आपको माइलेज बता देते हैं कि करगिल से श्रीनगर का क्या माइलेज निकला। जैसे हम श्रीनगर में घूमे हैं, बाद में भी 258.8 किलोमीटर चली है। डिस्प्ले में 10.8 का शो कर रहा है, 258 किलोमीटर चली है और 26.6 लीटर डीजल आया। माइलेज निकला है 9.7 मान लो। फाइनली जो है हम जम्मू रोड पे लग चुके हैं, ये आप देख सकते हैं जीपीएस में, काफी भूल भुलैया है अंदर क्योंकि काफी सारे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इस बार जीपीएस मैं नहीं चला रहा हूँ, हमारे जैन साहब चला रहे हैं। तो ओवरऑल जो है बाय बाय कश्मीर और बाय बाय द ब्यूटी ऑफ कश्मीर। ये लास्ट नजारे देख लो आप कश्मीर के। सल्यूट टू ब्यूटी ऑफ कश्मीर। सल्यूट टू ब्यूटी ऑफ कश्मीर। वास्तव में मानना पड़ेगा, मतलब कि इससे खूबसूरत कुछ नहीं है भाई। गाइस कम से कम है ना 2.5 से 3 किलोमीटर का लंबा जाम लग रहा है। 2.5 से 3 किलोमीटर हम बड़ी मुश्किल से रॉन्ग साइड, हमें किसी ने बताया कि इस साइड से चल जाओ लेकिन आगे आके वापस से जाम। हाँ नहीं वो तो आगे भी जाम है, इधर देखो ना आगे भी मुड़ना तो वहीं पीछे जाके करोगे क्या, वो तो गाड़ी अपन यहीं कुदा लेते हैं अभी, इस पर डिवाइडर पर चढ़ के इधर चल जाएंगे लेकिन आगे वापस से उधर डाइवर्ट कर रहे हैं वो सब, कोई मतलब वाली बात नहीं है। अभी जो भी गाड़ियाँ इधर से गई ना वो सब उधर चल जाएगी, नहीं अपनी गाड़ी भी क्रॉस कर जाएगी इसको, लेकिन आगे जाके अभी वो मैंने देखा सबको इसी लाइन में घुसाया वापस से उन्होंने। फोर बाय फोर लगाया और एक बार में जो है गाड़ी अपनी डिवाइडर क्रॉस कर चुकी है क्योंकि बहुत लंबा जाम था। चलो चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कम से कम 4-5 किलोमीटर लंबा जाम होगा। 5 किलोमीटर देखो जाम ही खत्म नहीं हो रहा यार, जाम ही खत्म नहीं हो रहा, चले जा रहा है जाम। पहली टनल आई है श्रीनगर से जम्मू के बीच में हम चल रहे हैं और फर्स्ट टनल को क्रॉस कर रहे हैं और अंधेरे हो गए हैं तो नहीं वो गॉक्स लगा रखे ना, गॉक्स हटाने पड़ेंगे। बाकी ये ठीक है, अब इन्होंने जो है आने के अलग और जाने के अलग कर रखी, 2 लेन कर रखा है मामला, मतलब 4 लेन कर रखा है। आगे एक टनल ऐसी आएगी, अच्छा स्पीड का भी है क्या, 50 की लिमिट है, अपन क्या चल रहे हैं 60 पे चल रहे हैं। चलो गाइज ऑलमोस्ट 8.5 किलोमीटर लंबी टनल थी जो कि गैस चैम्बर बनी हुई थी अंदर से, इतना पॉल्यूशन हो रखा था ना और सब भगा रहे थे स्पीड में, ट्रक वाले भी भगा रहे थे, कार वाले भी भगा रहे थे, मैं भी भगा रहा था, ऐसा नहीं है क्योंकि सबकी स्पीड को मेंटेन करके चलना पड़ रहा था। तो ओवरऑल जो है भाई अगर यहाँ अंदर कोई एक्सीडेंट हो जाएगा ना, अगर कभी खुदा ना खास्ता, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। गवर्नमेंट को इसमें कुछ करना चाहिए, यहाँ पे मतलब रूल्स जो है तोड़े जा रहे हैं। 50 की स्पीड लिमिट थी लेकिन सब एक साथ स्पीड में भगा रहे हैं। 1002 जेके में तो कहीं उतारने का हो तो उतार ले अपन तो गाड़ी को कहीं पे भी। साला ये हाईवे जाम ने परेशान कर दिया, वो तो वही ना क्लोज हो रहा है ना, वो आगे काम चल रहा है वहाँ पे यार, जाम जाम जाम, जम्मू पहुंचना हुआ मुश्किल। कोई बात नहीं, लड़के 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 ये हमारे रूट की सेकंड टनल है। ये साफ सुथरी है, मतलब नई बनी है यार, ये बिल्कुल सही कह रहे हो। पॉल्यूशन भी नहीं है। हाँ एक पर अरे छोटी है ये, इस वजह से पॉल्यूशन नहीं है। वहाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे अपन पनडुब्बी में चल रहे हो। लंबी थी यार, 9 किलोमीटर 9 किलोमीटर के आसपास ही हो। दूजी आगे पर कान में ऐसी छोटी छोटी टनल बनानी चाहिए, यार परेशान हो गए इस बार तो ट्रैफिक जाम में। साला ऑटोमेटिक गाड़ी में भी है ना, मतलब ब्रेक और एक्सेलेटर वाला पाँव है ना घुटना दर्द कर रहा है अब तो यार, ब्रेक एक्सेलेटर में बार बार। अभी जींस को अपन चेंज करेंगे, लोअर डालेंगे यार। और तीसरी टनल आएगी ना शायद, तीसरी आएगी ना अपनी टनल,
थर्ड टनल आने वाली सामने, वो देखो अभी तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे, डेवलपमेंट चल रहा है, कंप्लीट नहीं है पूरी तरीके से। परेशान हो गए पर ट्रैफिक जाम ने हालत खराब कर दी है भाई। और ये एक समझदार आदमी निकला है जो आगे जाके जो है बेवकूफ बनेगा वापस से। क्यों आगे क्या है, शुरू होते खत्म हो गई क्या? जो पॉल्यूशन हो रहा है पूरा, देखो काम ही चल रहा है, भयंकर पॉल्यूशन हो रहा है, देख ही नहीं रहा बल्कि मोबाइल में तो फिर भी नजर आ रहा होगा, लेकिन सामने पूरा डस्टी डस्टी हो रहा है। गाइस लंच किया अभी ठाकुर वैष्णो ढाबा, ठाकुर वैष्णो ढाबा पे। भैया बहुत तेज भूख लग रही थी, हालत खराब हो रही है और गर्मी लग रही है, 40 डिग्री टेम्परेचर आ चुका है। टाइम जो है कितना हो रहा है, 3:30 बज गया। तो ये है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, 9 किलोमीटर लंबी टनल है ये, 9 किलोमीटर लंबी टनल है ये, देखो आप। हाँ बढ़िया है ये, पॉल्यूशन नहीं है इसमें। पहली टनल ऐसी देखी मैंने जिसमें अनाउंसमेंट हो रहे हैं कुछ, एलेक्सा बोल रही है, एलेक्सा सेफ्टी। हाँ ये पहले हम घबरा गए थे, मैंने कहा यार इस टनल के ऊपर से क्या रेलवे ट्रैक जा रहा है क्या, जो आवाज आ रही है कुछ। अरे क्या गर्मी लग रही है क्या, कैसे मुंह धुल रहे है, घुमाओगे गाड़ी वापस चौधरी साहब? पेंगोंग पेंगोंग ले चलो भाई हमें पेंगोंग। हाँ ओ मैं बहुत परेशान था, मैं गर्मी से बच के पेंगोंग ले गया और वहां पे ऐसी सर्दी लगी वापस आ रहा था, वापस लेकिन जम्मू आते 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया है, वापस पेंगोंग जाने का मन कर रहा है। नुब्रा वैली चले, खुगर नाला क्या था, खाड़ दूंगा खुगर नाला, आनंद आ गया था ना बाकी। तो गाइस टाइम हो रहा है 5:14 और हम वैष्णो देवी माता जी के बिल्कुल पास से निकल रहे हैं और थोड़ी देर में जम्मू को अपन बाय बाय कर देंगे, माउंटेन्स को बाय बाय कर देंगे और बिल्कुल फ्लैट मैदान पे आ जाएंगे, पठानकोट अपना जलंधर रोड पे। तो ओवरऑल जो है हमारी जर्नी में काफ़ी उतार चढ़ाव हुए और मज़ा भी खूब आया। आपने देखे होंगे इससे पहले वाले ब्लॉग्स में कि हमने -6 degrees तक भी सरवाइव किया, स्नोफॉल भी देखा 2-2 times लाइव स्नोफॉल। ओवरऑल मज़ा खूब आया, थकान भी हुई, फ्रस्ट्रेशन भी हुआ और कभी कभी दिमाग भी ख़राब हुआ वेदर कंडीशंस को लेके, रोड कंडीशंस को लेके, और हमारे साथी गणों में से डर भी लगा, तबीयत भी ऊपर नीचे हुई बॉसों की। तो ओवरऑल मिला जुला एक्सपीरियंस रहा लेकिन मजे में कोई कमी नहीं आई, एंजॉय किया सबने, क्या कहते हो मामा जी? बिल्कुल बिल्कुल खूब एंजॉय किया, मजा शानदार। जैन साहब तो देवी जय माता दी के दर्शन हो गए, मजा खूब आया, मजा खूब आया। तो पार्सल ऑफ द ट्रेवल, हाँ चलो ये है साथ में आपका गाड़ी और प्लस आपकी अच्छी ड्राइव, हाँ हाँ इसको हम सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करेंगे। ये तो साथ भी कोई भी गाड़ी के साथ आ सकते हैं बिल्कुल रिलैक्स होके, इतने बड़े बड़े जीटी लूप्स देखने के बाद गाटा लूप्स को, ऐसे ऑफ रोडिंग के बाद भी और कोई गाड़ी से और कोई किसी के साथ, ऑलमोस्ट हमें जो है आज 8 दिन हो चुके हैं, 8वां दिन है मामा जी आज अपना ना, 8 दिन हो चुके हैं और कल शाम तक हम कोटा पहुंच जाएंगे या दोपहर तक कोटा पहुंच जाएंगे, बीच में हम एक स्टॉप लेंगे क्योंकि हम एंजॉय भी कर रहे हैं, ड्राइव भी कर रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं, तो आराम भी जरूरी है, टांग खिंचाए भी जल्दी, टांग खिंचाए तो चलती रहती है सफर का पार्ट है, कौन क्या करता है कौन क्या करता है। और गंभीर चर्चाएं भी हुई अलग अलग मुद्दों पे, हाँ। और बहुत अच्छे निष्कर्ष निकले उनसे, कंक्लूजन निकले तो बहुत अच्छा, मतलब हेल्दी डिस्कशन हुआ हम सभी के बीच में। और अब नेक्स्ट ट्रिप जब भी प्लान होगी आपको पता लग ही जाएगा ब्लॉग्स में कि भाई इस ग्रुप की जो ये जो हमारा जो ग्रुप है 5 जनों का, जब भी कोई नेक्स्ट ट्रिप प्लान करेंगे कब का क्या सोचा है दिमाग में के कब करेंगे जरूर भैया। हमारे डॉक्टर चौधरी जी जो है इनका ये कहना है कि किस्तवार किल्लर रोड जरूर करेंगे,
मतलब इनका मैंने कॉन्फिडेंस बढ़ा बढ़ा के, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डिप्रेस हुए थे, होपलेस हो चुके थे मनाली ले हाईवे पे कि भैया मैं तो जीवन में कभी नहीं आऊं, और स्थिति ये थी कि ना इधर जा सकता हूं वापस मनाली, ना ले जा सकता हूं, और ये खत्म नहीं हो रहा रास्ता, ना खाने के ना पीने के, मतलब बहुत अजीब सा इनको फील हो गया था। और एक टाइम तो इनको ये लग गया था कि यार कहां आगे गलती हो गई, यहां आगे तो ये कैसे रोड आगे। अभी अभी पहाड़ों का ट्रिप किया है, तो हो सकता है कि अगला ट्रिप समुद्रों का करें या फिर थार रेगिस्तान का करें, कुछ अलग जगह। किश्तवाड़ चिल्लर जरूर करेंगे, किश्तवाड़ चिल्लर जरूर करेंगे हमारे चौधरी साहब इस बार, ये कंफर्म हो गया टॉप। कितना ही खतरनाक रोड, चलो कॉन्फिडेंस आ गया। कौन से कितने कौन सा नंबर की टनल अपनी है, चौथी पांचवी पांचवे नंबर की टनल आई है गाइस। कितनी लंबी होगी, ज्यादा लंबी नहीं, सामने दिख रहा है वैसे। खड़ी है तो? नहीं नहीं ऐसे नहीं खड़ी, एक्सीडेंट हुआ है इसका, एक्सीडेंट हुआ है ना, खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। जम्मू मतलब यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, जहाँ अपन मुश्किल से 20 की स्पीड पे भी नहीं चल पा रहे हैं, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया इस गाड़ी का, बताओ। तो के अपने या तो वो जिसका से ले नहीं आ रहा था वो 330 किलोमीटर पूरे नहीं हो रहे थे, या फिर साला ये श्रीनगर से जम्मू खत्म नहीं हो रहा है, ये 300 किलोमीटर ये पूरे नहीं हो रहे, सुबह से शाम होगी साली, सात सवा सात हो गए, 10 बजे के चले हुए हैं, सुबह से शाम होगी, खत्म ही नहीं हो रहा रोड यार, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है इस बार। गाइस एक बार फिर हम आ गए हैं के हिल्स पे, याद है आपको के हिल्स, सच पास वाली ट्रिप पे जब हम आए थे तो जाते वक्त भी रुके थे और आते वक्त भी रुके थे। और यहाँ पे भैया कहाँ के भैया, अरे ये बाइक कब खड़ी कर दी लाके यहाँ पे। ये जस्ट अभी हुआ है, वो खुदा दी उसने गड्ढे में, क्या हुआ है वहाँ, कौन सा गड्ढा आ गया पर यार, ये बेड़गी 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 टाइम हो रहा है, 3 बज रहे हैं, आज 6 तारीख हो चुकी है और अब हम कोटा के लिए रवाना हो रहे हैं। रुक गए थे हम रास्ते में और ज़्यादा शूट भी नहीं किया क्योंकि दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ शूट ही नहीं किया एक्चुअली, कांगड़ा के बाद से कुछ शूट नहीं किया क्योंकि दिखाने के लिए कुछ सही नहीं, बार बार एक ही चीज़ को क्या दिखाऊँ। तो ओवरऑल बढ़िया जर्नी रही हम सबकी, खूब सोए भाई खूब सोए, 2 दिन से सोई सो रहे हैं भैया जी। 48 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है आउटसाइड टेम्परेचर, -6 से 48 डिग्री में आ गए अपन। और ग्लास भी गंदा हो रहा है, कुछ भी नहीं किया हमने, कुछ भी नहीं किया, और इस वीडियो को एंड करेंगे कोटा पहुंच के। गाइस इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट टूर भी जो है जल्द से जल्द होने वाला है और आपको इस तरीके के एडवेंचर टूर और सीनिक नज़ारे में आपको दिखाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।